नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे प्रतापगढ़ जिले की हर खबरों की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की खबरों की शुरुआत करते हैं कंधई थाना क्षेत्र से, जहाँ एक किशोर से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। कंधई थाना क्षेत्र के तरदहा गांव निवासी अंकित कुमार पुत्र अरविंद किसी काम से ढकवा गया हुआ था, जहां से लौटते समय लगभग 5:30 बजे कल्लू नगर चौराहे पर पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसकी स्कूटी ओवरटेक कर ली और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। किशोर के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश गायब हो चुके थे। पीड़ित किशोर ने कोतवाली में मोबाइल छीने जाने की तहरीर दी है। जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एसपी प्रतापगढ़ शिवहरि मीना ने जिले के सभी थाना क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों, वारंटियों, अपराधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश और चेकिंग का सघन अभियान चलाया। इस अभियान में जिले से कुल 325 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें लूट के मामले में 9, अवैध शराब तस्करी के मामले में 7, दुष्कर्म के मामले में 6, हत्या के प्रयास के मामले में 7, चोरी और नकबजनी के मामले में 5, अपहरण के मामले में 5, गैर इरादतन हत्या के मामले में 1, अवैध गांजा संबंधित मामले में 1, जुआ अधिनियम के मामले में 6, दहेज उत्पीड़न मामले में 3 और मारपीट के मामले में 275 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर राजपुर देवसरा विकास क्षेत्र से है, जहां पंचायत चुनाव नजदीक आते ही मतदाता सूची में गड़बड़ी का खेल शुरू हो गया है। आसपुर देवसरा विकास खंड की ग्राम सभा परहत के ग्रामीणों ने बीएलओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए मतदाता सूची से 150 मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाया है। मतदाता सूची के लोगों के नाम गायब होने से नाराज ग्रामीणों ने आज तहसील में प्रदर्शन किया तथा निर्वाचन कार्यालय पर अपना शिकायती पत्र भी दिया। एसडीएम को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि निवर्तमान प्रधान एवं बीएलओ ने मिलीभगत करके पात्र मतदाताओं का नाम अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के समय कटवा दिया। अगली खबर कुंडा के लिए है, जहां कल यानी मंगलवार को जनपद स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कुंडा तहसील सभागार में आयोजित होगा एवं अन्य तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संबंधित उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में होगा। अगली खबर संग्रामगढ़ से है, जहां गैंगस्टर के एक आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा है। बीते कुछ माह पूर्व गोकसी के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जमानत मिलने के बाद वह युवक जेल से बाहर आया था, जिसके बाद संग्रामगढ़ पुलिस ने गोकसी के मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए पीरउद्दीन पुत्र कल्लू निवासी रसूलपुर थाना सलोन जनपद रायबरेली को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहाँ एक राष्ट्रीय पक्षी की मौत हो गई। शाहपुर गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर के घायल होने की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची थी और उसे पशु चिकित्सालय कुंडा ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया था, लेकिन गंभीर घायल होने की वजह से राष्ट्रीय पक्षी को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को दफना कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।